हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टेरिटोरियल आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इस वीडियो में हमने टॉप 25 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स को कवर किया है, तो आई होप यू विल लाइक इट। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन हैज़ बीन रीनेम्ड एज नेताजी एक्सप्रेस एज ए ट्रिब्यूट टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ट्रिब्यूट देने के लिए किस ट्रेन का नाम चेंज करके नेताजी एक्सप्रेस रख दिया गया है? तो किसकी? हावड़ा कालका मेल, ऑप्शन बी। तो हावड़ा कालका मेल का नाम चेंज करके नेताजी एक्सप्रेस रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन टेस्ला ओपनिंग इट्स फर्स्ट R&D सेंटर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इन इंडिया। तो इंडिया में पहला रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर टेस्ला कहाँ ओपन कर रही है? बेंगलुरु में, ऑप्शन ए। तो टेस्ला के ऑनर का नाम क्या है? एलन मस्क। ये एक USA बेस्ड कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सतीश व्यास हु हैज़ बीन कन्फर्ड अ तानसेन सम्मान इज ए रिनाउंड प्लेयर। ठीक है, तो सतीश व्यास जी को क्या मिला है? तानसेन सम्मान। और ये तानसेन सम्मान कौन प्रोवाइड करती है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ये सम्मान प्रदान करती है तानसेन। और जो सतीश व्यास जी थे ये कुशल क्या थे? सितार संतूर वादक थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी। द थीम ऑफ द 16th प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस ऑब्जर्व इन वर्चुअल फॉर्मेट ऑन 9th of Jan। ठीक है, तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अब रीज़न क्या है इसका? देखिए, 9th of Jan 1915 को, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापिस आए थे साउथ अफ्रीका से मुंबई, यानी इंडिया वापस लौटे थे। तो इस दिन को हम क्या कहते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, तो इस बार की थीम क्या थी 2021 की? तो इस बार की थीम थी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, तो ऑप्शन ए। विच ऑफ दिस आइस ब्रेकर शिप हैज़ बीन चार्टर्ड बाई द इंडियन अंटार्कटिक एक्सपीडिशन विच बिगन इन January 2021। तो इसमें से किस आइस ब्रेकर शिप का यूज़ किया जा रहा है अंटार्कटिक एक्सपीडिशन में? तो कौन सा? ऑप्शन ए, वेजली ग्लोनविन। ठीक है, ग्लोनविन ये एक रशियन शिप है, आइस ब्रेकर शिप है, तो इसका यूज़ किया जा रहा है इस एक्सपीडिशन में, ऑप्शन ए। माइकल किंडो, ठीक है, माइकल किंडो हु पास्ड अवे इन January 2021 वॉज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो माइकल किंडो किस खेल से रिलेटेड है? ऑप्शन डी, हॉकी। देखिए, ये हॉकी के बहुत ही महान, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स में से एक हैं, जो कि 1975 की जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था उस विनिंग टीम के एक प्लेयर थे, और ये एज ए डिफेंडर खेलते थे। तो जो 1975 का वर्ल्ड कप था हॉकी का, ये वर्सेस हुआ था पाकिस्तान, पाकिस्तान को हरा के हमने 1975 का वर्ल्ड कप जीता था। तो माइकल किंडो हॉकी से रिलेटेड है, और ये झारखंड स्टेट से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वॉज अवार्डेड द गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म एट द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? तो किस फिल्म को दिया गया है? ऑप्शन बी, इनटू द डार्कनेस। ठीक है, देखिए, जो ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था, इसके ये वेन्यू कहाँ था? गोवा में। और इसमें एक मेडल दिया जाता है, ICFT यूनेस्को गांधी मेडल। तो ये किसे दिया गया था? ये 200 मीटर्स मूवी को दिया गया था, जिसके डायरेक्टर कौन थे? अमीन नेफे। और इस फेस्टिवल में कंट्री इन फोकस कौन थी? बांग्लादेश। और इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर कौन थे? बिस्वजीत चटर्जी। ये एक वेटनर क्या थे, एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार थे, अभिनेता थे, कौन सी 1960 के दौर के।
ठीक है। हु एमंग द फॉलोइंग वॉज रिसिपियंट ऑफ पद्म विभूषण दिस ईयर, ठीक है। पद्म विभूषण, देखिए पद्म अवार्ड तीन टाइप के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म श्री। तो पद्म भूषण इस बार किसको दिया गया था इन चार ऑप्शंस में से, मिस्टर शिंजो आबे को, ऑप्शन सी। देखिए इस साल पद्म भूषण, जो पद्म विभूषण दिया गया था वो 7 पर्सनैलिटी को दिया था गया, ठीक है, 7 पर्सन्स को दिया गया था। इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से मिस्टर शिंजो आबे, फिर हैं एसपी बालासुब्रमण्यम जो कि एक आर्टिस्ट थे, इन्हें मरणोपरांत ये दिया गया है। साइंस एंड इंजीनियर में, इंजीनियरिंग में दिया गया है श्री नरेंद्र सिंह कपानी। देखिए जो श्री नरेंद्र सिंह कपानी है इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया था, और ये जो कपानी जी हैं इन्हें फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं, ठीक है, फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। इनके अलावा बाकी भी है, मेडिसिन में डॉक्टर बेले मुनप्पा हेगड़े जी को दिया गया था, स्पिरिचुअलिज्म में मुस्लिम स्कॉलर हैं मौलाना वहीदुद्दीन खान, ठीक है, इन्हें दिया गया था। आर्कियोलॉजी में श्री बीबी लाल जी को दिया गया था जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। आर्ट में श्री सुदर्शन साहू जी को दिया गया था। तो इन 7 पर्सनैलिटी जो भी ये पर्सन्स हैं इन्हें पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। इंडियाज़ फर्स्ट काउ डंग पेंट विथ एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी इज़ नेम्ड। तो इंडिया का फर्स्ट काउ डंग पेंट जिसका नाम क्या 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 रखा गया है, ऑप्शन ए खादी प्राकृतिक पेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ टॉप द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, ठीक है, अमंग द मेजर स्टेट्स। तो इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2021 में मेजर स्टेट्स में नंबर 1 रैंक किसे मिली है, ऑप्शन ए कर्नाटका को। देखिए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, 2020 ये सेकेंड एडिशन था, तो इसे रिलीज़ कौन करता है, नीति आयोग। मेजर स्टेट्स में कर्नाटका पहले नंबर पर था और महाराष्ट्र सेकेंड। अगर हम यूटीज़ एंड सिटी स्टेट्स की बात करें तो ये हैं दिल्ली फर्स्ट में और चंडीगढ़ सेकेंड, और नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स, हिमालयन स्टेट्स जो होते हैं इनमें फर्स्ट रैंक मिली है हिमाचल प्रदेश और सेकेंड उत्तराखंड को। ओके, और ये रिलीज़ कौन करता है, नीति आयोग। जो बिडन इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं, जो बिडन, ऑप्शन सी 46, ठीक है, 46वें नंबर के ये प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज अवार्डेड द बेस्ट डब्ल्यू अवार्ड एट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2021। तो बेस्ट डब्ल्यू जो झांकियाँ निकाली जाती हैं, तो इसमें बेस्ट कौन सा स्टेट रहा, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। इन्होंने राम मंदिर की झांकी निकाली थी, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा थे, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा ये आरडी परेड के परेड कमांडर थे, ठीक है। इसमें जो फ्लाइंग पास्ट निकाली गई थी, ठीक है, फ्लाइंग पास्ट आरडी परेड में, इसमें 2 एयरक्राफ्ट यूज़ किए गए थे, एक तो लेटेस्ट राफेल एंड दूसरा विंटेज एयरक्राफ्ट डकोटा, ठीक है। तो ये 2 नाम आप जरूर याद रखेंगे, डकोटा विंटेज एयरक्राफ्ट था और लेटेस्ट एडिशन में राफेल। देखिए फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ, ठीक है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ ये बनी थी फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट, ठीक है, फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट जिन्होंने आरडी परेड में पार्टिसिपेट किया था। मार्चिंग कंटिंजेंट एंड बैंड, ठीक है, बांग्लादेश आर्मी ने इस बार पार्टिसिपेट किया था। तो आपसे पूछ सकता है कि किस फॉरेन कंट्री ने आरडी परेड में पार्टिसिपेट किया था, तो किसने, बांग्लादेश आर्मी ने। देखिए बांग्लादेश क्यों, क्योंकि जो 2021 है इस साल 50वीं वर्षगांठ थी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की। 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद कराया था इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के चंगुल से, ठीक है। तो उसके 50वीं वर्षगांठ पे बांग्लादेश आर्मी का मार्चिंग कंटिंजेंट ने आरडी परेड में पार्टिसिपेट किया था। देखिए जाट रेजिमेंटल सेंटर को बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट अमंग द आर्म फोर्सेस, ठीक है,
दिया गया था। ट्राई सर्विसेज होती है नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, तो इसमें जाट रेजिमेंटल सेंटर को बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का अवार्ड दिया गया। दिल्ली पुलिस को CIPF की कैटेगरी में यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की कैटेगरी में बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट मिला। और अगर स्टेट्स की बात करें, नंबर वन पर उत्तर प्रदेश, सेकंड पर त्रिपुरा एंड थर्ड पर उत्तराखंड रहा। स्पेशल प्राइज फॉर द टेबल्यू किसे मिला था? स्पेशल प्राइज CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को। और बेस्ट स्कूल परफॉर्मेंस किसे मिला था? माउंट आबू पब्लिक स्कूल एंड विद्या भारती स्कूल को। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट रिपब्लिक डे से संबंधित कुछ न्यूज़ थी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विंटेज एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेटेड इन द फ्लाइंग पास्ट ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2021। जैसा मैंने आपको बताया, ऑप्शन डी डकोटा, लेटेस्ट कौन था? राफेल। और राफेल हमने कहाँ से परचेज किया है? फ्रांस से। विच डे ऑफ जनवरी हैज़ बीन चूजन द ऑब्जर्व एज पराक्रम दिवस? ठीक है, तो पराक्रम दिवस को हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 23 जनवरी को। ठीक है, और ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, इनकी बर्थ एनिवर्सरी है। ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बर्थडे है एक्चुअली नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से एक, आप जैसा आपको बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर एक हमने एक ट्रेन का रिनेम किया था, ठीक है, नेताजी एक्सप्रेस करके। और एक दूसरा पराक्रम दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं 23 जनवरी को। और तीसरा है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ठीक है, ये पुरस्कार दो कैटेगरी में दिया जाता है, इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी एंड इंडिविजुअल। तो इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, इसे दिया गया है। और इंडिविजुअल कैटेगरी में डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी जी को दिया गया है। व्हाट नेम हैज़ बीन गिवन टू इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस 9mm मशीन पिस्टल? तो जो कि DRDO द्वारा क्या दिया गया, डेवलप की गई है, तो कौन सी है? आसमी, ऑप्शन ए। द बाइलेटरल एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट, ठीक है, डेजर्ट नाइट 21 कंडक्ट एट एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर बिटवीन इंडियन आर्मी एंड ऑफ विच कंट्री एयरफोर्स एंड स्पेस फोर्स। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो डेजर्ट नाइट 2021 एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, ये इंडिया और कौन से देश के बीच में हुई थी? यह है ऑप्शन बी, फ्रांस। ठीक है, तो डेजर्ट नाइट कौन सी है? एयरफोर्स की एक्सरसाइज है और इंडिया और फ्रांस के बीच में। द सेकेंड एडिशन ऑफ बाइनियल पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज, जो हमारा कोस्टल रीजन है, ठीक है, पेनिनसुलर रीजन, इसकी जो डिफेंस की करने के लिए ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है। तो जिसमें टोटल 13 कोस्टल स्टेट्स एंड UTs ने इनको इन्वॉल्व किया गया था। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का नाम क्या था? ऑप्शन ए, सी विजिल। द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फिजी टू UN यानी यूनाइटेड नेशन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ UN ह्यूमन राइट काउंसिल? ठीक है, तो फिजी की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थी UN को, इन्हें क्या बना दिया गया है? प्रेसिडेंट बना दिया गया है UN ह्यूमन राइट काउंसिल का, ठीक है, फॉर 2021। तो ये कौन है? ऑप्शन ए, नजत समीन खान, ऑप्शन ए। द लेजेंडरी माउंटेनियर एंड डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर ऑल्सो निकनेम एज बुल, हु पास्ड अवे, तो वो कौन है? ऑप्शन डी, कर्नल नरेंद्र कुमार। तो इनका निकनेम क्या है? बुल। द प्लेस इन हरियाणा फ्रॉम वेयर द वर्ल्ड्स फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग होल्ड कंटेनर ट्रेन फ्लैग्ड ऑफ बाय द PM मोदी टू न्यू किशनगंज राजस्थान। ठीक है, तो हरियाणा से राजस्थान चल ये ट्रेन जा रही है, तो हरियाणा के कौन सी जगह से? ऑप्शन ए, न्यू अटेली। ठीक है, न्यू अटेली करके एक जगह है, वहाँ से न्यू किशनगंज राजस्थान पे एक दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग होल कंटेनर, यानी एक के ऊपर एक दो कंटेनर रखे होंगे। द प्लेस इन उत्तराखंड वे
इंडियाज़ फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क वॉज इनाग्रेटेड बाई रियोन्ड बटरफ्लाई एक्सपर्ट पीटर स्मेटेक। ठीक है, ये पीटर कौन है? बटरफ्लाई एक्सपर्ट है। इन्होंने इनाग्रेशन किया था इंडियाज़ फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क, कहाँ? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की कौन सी जगह है? ऑप्शन ए हल्द्वानी। द प्लेस इन जे एन के वेयर खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट बींग हेल्ड। तो खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट जे एन के में कहाँ हुआ था? चिकतन में। ऑप्शन बी। द बाइक बेस्ड कैजुअलिटी व्हीकल डेवलप्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस ऑफ DRDO एंड हैंडेड ओवर टू CRPF इज नेम्ड क्या? रक्षिता। ठीक है, ऑप्शन ए रक्षिता। तो बाइक बेस्ड कैजुअलिटी व्हीकल का नाम क्या है? रक्षिता। 24th, द रैंक ऑफ इंडियन द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 विच इज टॉप्ड बाई जापान एंड सिंगापुर। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक क्या थी? 85th, ऑप्शन ए। ठीक है, तो और इस इंडेक्स को टॉप किसने किया था? जापान और सिंगापुर ने, जापान और सिंगापुर। द थीम ऑफ नेशनल यूथ डे ऑब्जर्व ऑन 12 जनवरी 2021 इन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो नेशनल यूथ डे कब क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी ऑप्शन ए चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। ठीक है, तो नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। सो फ्रेंड्स, दीज आर द टॉप 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर ऑफ फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी फॉर टेरिटोरियल आर्मी एग्जामिनेशन। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू।